जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं तो मैंने देखा है कि वो लोग जो यहाँ पे एक मिनट सब्र नहीं करते कि हम क्यों में खड़े हो जाएं, वो सुकून से क्यों में खड़े होते हैं। आई थिंक लॉ को इम्प्लीमेंट होना चाहिए और स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आपके कोई पुलिस वाला आके रोके नहीं कि आपका चलान करना है। यस, वंस यू क्रॉस द रेड लाइन योर इट शुड बी। अब तो आप देखिए ना, आप कहते हैं स्मार्ट सिटीज़ हैं, कैमराज आपको नोट करें और आपको उसी तरीके से जो है टोकन घर पर आए, यू नो यू हैव टू पे द पेनल्टी, या आपकी जो है आपकी आईडी से वो डिडक्ट हो। डिजिटल वर्ल्ड है ये, हम आज भी टेक्नोलॉजी को पीछे करके कैसे ज़िंदा रहेंगे? दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए और हम आज भी वही फरसूदा निज़ाम में। दूसरी बात ये कि मैं ये समझती हूँ कि मेरी ये तजवीज़ है कि हर बच्चा जब पैदा होता है उसी वक्त उसका प्राइमरी आईडी कार्ड बनना चाहिए, ठीक है? प्राइमरी, ताकि लाइक अगर उसका प्राइमरी आईडी कार्ड बन जाता है तो उसका मतलब है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ रजिस्टर हो जाती है, नो वन कैन मैनिपुलेट और मैनिपुलेट। आपका सेंसस वाला जो इशू है वो ख़त्म हो जाता है बिकॉज द चाइल्ड वुड बी रजिस्टर्ड। फिर उसकी जो बेसिक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लाइक वी हैव द लेजिस्लेशन कि आपने 16 ईयर्स तक एजुकेशन फ्री देनी है, आई बिलीव 18 ईयर्स तक भी फ्री दें, तो वो जो है आपकी व्हेन अ चाइल्ड इज रजिस्टर्ड देन इट इज इट वुड बी वेरी इजी टू मॉनिटर दैट द चाइल्ड हैज बीन एजुकेटेड और नॉट। तो मैं ये समझती हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है अब ज़्यादा डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएँ और इसका टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाएँ, ताकि कल को हम ये कहते हैं जी आज इसका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो गुम हो गया, आज जो है हम 16 साल की बच्ची को 18 साल का बना दें, या हम जो है मतलब लाइक एग्जैक्टली वैक्सीनेशंस नहीं होती, सेंसस एक इशू बन जाता है। वाई? देखें, जब आप पैदा हुए तो आपकी एक शनाख्त है ना, तो जब अगर शनाख्त है, अगर बायोमेट्रिक्स उसी वक्त हो जाते हैं या उस वक्त नहीं हो सकते, एटलीस्ट समथिंग अ चाइल्ड इज़ रजिस्टर्ड, तो फिर आपके पास एक प्रॉपर पॉपुलेशन रेशियो भी आता है, आपकी रिसोर्सेज भी जाती हैं, आपकी बाकी मैं समझती हूँ कि फिर हेल्थ की फैसिलिटीज़ या एजुकेशन की फैसिलिटीज़ जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी फिर स्टेट को उसी तरीके से करनी चाहिए। तो मैं समझती हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।